बता दो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए जो हमको इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ब्रेड, बॉयल्ड आलू, मैदा एक कटोरी, और ये अदरक, हरी मिर्च और धनिया का, और हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, थोड़ी सी राई और ऑयल। आलू पेटीज बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए 2 चम्मच ऑयल, ऑयल हल्का सा हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, और अब हम ये अदरक, कटी हुई अदरक थी ये अदरक डाल दिए, और ये हरी मिर्च, और ये हरा धनिया, ये सब हम थोड़ी लो फ्लेम पे करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, और लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार, आप तीखा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लीजिए, और कम खाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। और इनको हम थोड़ी देर के लिए यूँ ही सोटे कर लेंगे। अब हम इसमें ये जो बॉयल्ड आलू थे ना, ये रफली मेस्ट किए हुए हैं, तो इसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, और इसको इसी तरीके से चलाते हुए हम थोड़ा भून लेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्टफिंग एकदम अच्छे से भून के तैयार है, और अभी अब हम इसको साइड रख देंगे ठंडी होने के लिए, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम यहाँ पे ये जो मैदा लिए थे, 1 बाउल मैदा डाल देंगे, और अपने स्वादानुसार इसमें नमक डाल देंगे, या आप 1/2 टीस्पून नमक ले लीजिए, काफ़ी हो जाता है। और इसमें अब हम ऑयल डालेंगे, छोटी टीस्पून है, 4 टीस्पून डाल रहा है मैंने, और इसको मिला के देख लेंगे। ये देखिए, ये हमने रिफाइंड डाला था, 4 से 5 चम्मच छोटी टीस्पून डाला, जिससे ये इस तरीके से अच्छे से एकदम मिल गया है। और ये इस तरीके से जब हम कर रहे हैं, मतलब आप मठरी का आटा लगाते हैं ना, उससे आप थोड़ा सा कम ऑयल डाल के बस आपको इसका वो करना है, डो बनाना है। और अब हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो तैयार हो चुका है। ये हमको बहुत हार्ड भी नहीं करना और सॉफ्ट भी नहीं करना, जैसे कचौड़ी वगैरह का आटा बनाते हैं ना, बस सेम वैसे ही आटा बनाना है। और अब हम इसको साइड में 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये ब्रेड है, और ब्रेड के सारे साइड्स हमने काट लिए हैं, इस तरीके से हमने ये ब्रेड तैयार कर ली है। और अब देखिए, ब्रेड में हम अंदर इस तरह से सॉस लगा लेंगे। ये आपके ऊपर, अगर आप लोग सॉस पसंद है तो सॉस लगा लीजिए, हरी चटनी पसंद है तो हरी चटनी लगा लीजिए, और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरीके से सॉस लगा के हमने चारों स्लाइस रेडी कर लिए हैं। और ये जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था ना, ये मसाला अब हम इस ब्रेड में अच्छे से लगा देते हैं। इसे हमने ब्रेड में ये आलू की सारी स्टफिंग रख दी है। अब ये जो आटा हमने मार के रखा था ना मैदे का, अब हम इसको अच्छे से थोड़ा हाथ से इस तरीके से मोल्ड कर लेंगे। और अब इसके हम दो लोई बना ली हमने इतने बड़े बड़े। अब अभी थोड़ा सा मैदे का अब मैंने नीचे बुरक के, और अब इसकी एक बड़ी सी गोल रोटी बना लेनी है हमको। और अब हम ये जो हमने ये सीट बनाई है, रोटी बनाई है, ये देखिए, ये पतली, बहुत मोटी भी नहीं होगी और एकदम पतली भी नहीं, बस ऐसी बना लेनी है। और उसके बाद हम बीचों बीच ये ब्रेड का
ये सैंडविच रख दी हमने, और अब हम इसको किनारे में इसके इस तरीके से पानी लगा लेंगे और इसको एक इस तरीके से हम इसको पूरा रेप अप कर लेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से ये इधर से और ये इस तरीके से, ये देखिए ये दोनों पेटीज हमने तैयार कर ली है। और अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए तेल मैंने गर्म होने के लिए छोड़ रख दिया। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है और हम इसको इस तरीके से डालेंगे। वैसे मैं बता दूं, पेटीज आगरा में सबसे फेमस है जो पेटीज मिलती है, पर ये थोड़ा सा उसको ही मैंने चेंज करके बनाया है क्योंकि उस पेटीज में बहुत ऑयल जाता है और बहुत टाइम लेता है, इसलिए ये बहुत थोड़े से समय में तैयार हो जाती है ये पेटीज। ये देखिए हमारी पेटीज बिल्कुल बराबर से सीख गई है दोनों साइड से, और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी पेटीज देखिए तैयार है, और अब हम इसको नाइफ से या पिज़्ज़ा कटर की सहायता से ऐसे कट कर लेंगे, और फिर ये हमने कट कर ली ना, अब इसके जो बीच में है इसको हम इस तरीके से नाइफ से, ये देखिए इस तरह से हम स्पेस बना लेंगे। और इसमें आप अनियन खाते हो तो अनियन इस तरीके से अंदर फिल करना है, और थोड़ा सा नमकीन ऊपर से, टमाटो सॉस और थोड़ी चीज़ ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी पेटी बिल्कुल रेडी है, और आप लोग को ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।